बंदूक के फायरिंग मामले में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। जिले के पुनाना उपमंडल के गांव जैमत में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग के मामले में लोगों ने पुलिस पर विधायक के कहने पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस ने दबाव में आकर एक पक्ष का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि फायरिंग दोनों तरफ से हुई है और घायल भी दोनों तरफ से हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर इंसाफ की मांग की है। जैमत गांव के तैयब दाऊद, तैयब यूनुस अरसद, हाजी रत्ती हुरमत सहित दर्जन भर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया कि कासिम पुत्र मूसा नाम के युवक ने पुरानी रंजिश निकालने के लिए उनके परिवार के एक लड़के पर जान से मारने के इरादे से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन युवक ने भागकर अपनी जान बचा ली। जब इस बात का उन्हें पता चला कि आरोपी चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया और अपने मकानों पर चढ़ गया, जहां से हाकम पुत्र हमीद, शौकीन पुत्र हमीद, सब्बीर पुत्र कुल्लड़, तौफिक पुत्र सब्बीर, आसू पुत्र मूसा सहित दर्जन भर लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि फायरिंग करने वाले आरोपी अपराधी किस्म के थे, जो हमेशा हथियार रखते हैं और उन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें वह फरार चल रहे हैं। आरोप है कि आरोपी हमेशा हथियार रखते हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वह कहीं ना जा सके और दूसरे पक्ष के लोगों का मामला पुलिस ने विधायक की सिफारिश पर दर्ज कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुनाना से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट, एमटीवी मेवात को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जी क्या मामला है? मामला ये है जी कि जो झगड़ा पुराने दिन जब चली रही है हमारी इनकी, तो इन गाड़ी आई और लड़को हमारे गेट के सामने वह चढ़ाने के इरादे से गाड़ी को लाए, वो मुश्किल से बचा, दीवार की ओर ले गए, फिर आगे कुंडा पे हमारा जो वो लड़के का बाप था वो पानी पी के हूँ जंगल से आया और वो आराम कर रहा थोड़ा स्की कर नीचे, फिर वह देखा हुआ, फिर वहाँ गाड़ी चढ़ा दी जाके, फिर हूँ दीवार से गाड़ी रुक गई, हूँ से फिर नुकनी देव रुक के गाड़ी वहाँ नुकनी फायरिंग करा, पूरा मारने के इरादे से आए वो, तो 20 तारीख को अपना घर खाली करके पूरा सामान रिश्तेदारी पहुँचा कर अब स्पेशली आई वजह से वो ट्रक को लाए और पूरा इरादे से आए, सब घर ये सब छोड़े, फिर हूँ से भाग के नुकनी अपने छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के फायरिंग कर दिया, हम अपने घर पर बैठे यहीं कमरे पर, फिर दीवार छन्नी हुई पड़ी है, यहाँ आके देखे पुलिस भी देखे और कोई भी देखे, पूरी टीम आ सकती है, इन पूरा वाला का पड़ा निशान, पांच छह आदमी हमारे इनके चोट आई है, मेलार कटी पड़ी है और हम टेस्ट में नहीं गए, तो इस वजह से हमारी कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही और वन की कार्रवाई एक तरफ चला रखी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि भाई हमारे पास दबाव है पीछे का और तुम्हारे नहीं लगी, नहीं हमारे एमएलआर कटी पड़ी, आदमी को सरों को छन्नी हुई पड़ा है, तो फिर हमारी सुनाई पुलिस नहीं कर रही है, तो हम भी यह चाहते हैं कि भाई हमारा भी केस हो, हमारी कार्रवाई चालू हो। मेरा नाम दाऊद है जी। दाऊद जी क्या मामला जो आपके गांव में झगड़ा हुआ है? मामला ये है जी, पुरानी रंजिश थी, पहले भी मुकदमा अभी ताजा ही दर्ज हुआ पड़ा, तीन महीने पहले पुरानी रंजिश थी, ये लड़का भी उसमें बोले कासम चुनाव पे मूसा, ये बड़ा ट्रक गाड़ी तेज रफ्तार से चला के लाया और एक लड़का यहाँ आया खालिद का, उस पर चढ़ानी चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से भाग गया उससे और वो आगे जाके दीवार से टकराई, सामने उसका बाप बैठा था, उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, वो वहाँ वो गाड़ी रुक गई और वहाँ फिर फायर किया इसने और वहाँ से भाग के अपनी छतों पे चढ़ गए, तो ये एक कासिम सनो मूसा, ये गाजरू हमीद का, शौकीन हमीद का और ये अपना हाकम हमीद का और हाकम बता तो दिया और ये किए आसम मूसा का, तौफीक ये जो लड़का ये मूसा का, ये सब्बीर कुल्लड़ का और बाकी काफी आदमी इनके परिवार के सारे ही मौजूद थे। गाड़ी चढ़ा, हाँ जी, पुरानी रंजिश चली आ रही थी, दो नंबर और तीन नंबर मुकदमा दर्ज है करीब 2.5 महीना पहले, जिनमें अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो इस मामले में हाँ जी हमारे पांच छह आदमियों की चोट आई, जिनकी एमएलआर भी कटी हुई है,
और उन लोगों के भी चोट आई है, लेकिन पुलिस उनका तो मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया। हम लॉकडाउन की वजह जा नहीं पाए, MLR भी हमने मुश्किल से पुनाना जाके कटवाई है, और बाकी उसमें खुल्लम खुल्लम ये MLA इलियास भाग ले रहा है। वहाँ थाने पे भी दबाव दिया है, थाने पे दबाव देके एक तरफा हमारे खिलाफ कार्रवाई कराई, SP साहब से भी इनकी MLA इलियास नहीं कहा है, ये हो गया वो हो गया, उनके नहीं लगी, इन्हीं लोगों के लगी है। तो ये चाहते हैं, हाँ MLA इलियास, हम ये चाहते हैं जी मुकदमा हमारा भी दर्ज हो, हमारे भी कई आदमियों के 5-6 आदमियों को चोट लगी है जिनकी MLR कटी हुई है, और जो एक्सरे के लिए पहुंचे हुए हैं मांडीखेड़ा हॉस्पिटल। तो इस तरीके से मतलब ये है इन्होंने गोलियों की बौछार की है। हम यहाँ जहाँ अब आपको बयान दे रहे हैं यहाँ सारे आदमी मौजूद थे, दीवारों पर पक्की गोली 315 की निशान लगे हुए हैं, फिर काफी इनने 50-60 फायर किए हैं बराबर टमाटम। और ये लोग ये अमीन के जो लड़के हैं शौकीन है, अजरू है, हाकम है, ये डंपर उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, डंपर काटते हैं, कई दफा जेल भी गए, आज भी ये फरार है कई मुकदमों में। ये लोग जी बहुत भयानक आदमी है, ये फायर करने में देरी नहीं लगाते, अलवर थाने से भी फरार हैं, यहाँ हमारे हरियाणा से कई थानों से फरार हैं लोग।